उज्जैन जिले के नागदा में रेलवे सफाई कर्मचारी का नया टेंडर हुआ जो ओरिएंटल इन्फो को मिला। नए कॉन्ट्रैक्टर ने अपने सभी कर्मचारी नए ज्वाइन कर पुराने कर्मचारी को हटा दिया। इस पर पुराने कर्मचारी नए सफाई अधिकारी के पास पहुंचे तो सुपरवाइजर ने उन्हें रखने से मना कर दिया, जिससे मामला और बढ़ गया और नए कर्मचारी और पुराने कर्मचारी आपस में भिड़ गए, जिससे रेलवे जीआरपी ने बीच में आकर मामला शांत करवाया। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। ओरिएंटल की तरफ से साइड इंचार्ज। क्या हुआ आज सुबह का मामला? क्या सुबह जो मामला है, जो हमारी जो मेन पावर है वो हमारी नई मेन पावर है और हम नई मेन पावर को रखना चाहते हैं, ठीक है। पुराने वालों का काम जो है वो ठीक नहीं है, उनमें से जो अच्छे लोग हैं जो काम करते हैं उनको हम रखेंगे। अभी आपके इसमें कर्मचारी कितने रखे गए आपने नए अभी कॉन्ट्रैक्ट के उसमें? 45। हाँ, और पिछले कितने थे आपको जानकारी है? पिछले का मेरे को आइडिया नहीं, वो कंपनी दूसरी थी। हम आपको बताते हैं मीडिया के इसमें से कि 42 पहले थे। हाँ ठीक है, अब आपने जो 45 रखे उसमें से 42 वाले में से क्यों नहीं रखे? क्योंकि हमारा एग्रीमेंट इतने का ही है। इतने का ही है? हाँ। 45 पूरे न्यू रखे आपने? हाँ, नहीं न्यू नहीं, उसमें से कुछ पुराने हैं। कुछ पुराने कितने हैं? पुराने उसमें 15 करीबन है। 15 के आसपास। अभी जो सुबह जो मामला हुआ, विवाद की स्थिति बनी, उसमें आपको जानकारी हुई? हाँ, मेरे विवाद होने के बाद में मैं उसके बाद में आया था, उसका मेरे को जानकारी नहीं है। आपस में पुराने और कुछ नए वर्कर में हुआ था। विवाद किस लिए हुआ था? विवाद इसलिए हुआ था कि वो जो पुराने जो लोग हैं कह रहे थे कि हमको रखो, तो हम उनको रखना नहीं चाहते, हमने अपॉइंटमेंट कर लिए। कारण क्या क्यों नहीं रखना चाहते उनको आप? कारण ये कि हमारे पास मेन पावर पूरी हो गई ना, इसलिए कारण ये। अगर हमारे पास में अगर ज़रूरत पड़ती है, मेन पावर बढ़ती है,